अध्याय चार। परमेश्वर और मसीही यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। वे अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अग्र की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीको को चला गया है और क्रेसकेंस गलतिया को और तितुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है जो बागा में त्रुआस में करपुस के यहां छोड़ आया। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा ना देना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। प्रिस्का और अक्विला को और उनेसिफुरुस के घराने को नमस्कार। इरास्तुस कुरिंथुस में रह गया और त्रिफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है, जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। युबुलुस और पुंदेस और लीनुस और क्लौदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे।